गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू चिल्ड्रंस ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 आपका चल रहा था और इसमें हमने हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में ये टॉपिक अपना चल रहा था। आधा टॉपिक मैंने करा दिया था, बीच में नेट प्रॉब्लम होने से, नेट बंद होने से आप लोगों को वीडियो रेगुलर प्रोवाइड नहीं हो पाए। दोबारा से आपको वीडियो रेगुलर हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नेट किन्हीं कारणों से बंद हो गया है 2 दिनों के लिए, इसीलिए आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड किसी भी सब्जेक्ट का नहीं हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डोंट वरी, अब नेट चालू हो चुके हैं, आप अपने स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा करिएगा, कोई बीच में गैप भी हो गया था, हो सकता है आप लोग टॉपिक भूल गए हों, तो मैं आपको एक बार पेज नंबर 282 निकालिएगा, मैं याद करा देता हूँ, रिवाइंड कर देता हूँ। पेज नंबर 282 ओपन करिएगा पहले, हो सकता है आप लोगों ने निशान नहीं लगाया हो, प्रीवियस वीडियो नहीं लिखा हो, तो पहले उसको देखिएगा, कोई बीच में 2 या 3 दिन का गैप हो गया। पेज नंबर 282 निकालिए। और स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट टॉपिक मिल गया आपको, इसमें थर्ड पैराग्राफ ऑर्गेनिक डोमेस्टिक मिल गया स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक डोमेस्टिक, यहाँ से आइएगा, कंटिन्यू करें। इसमें हमने ये बोला था कि सॉलिड वेस्ट का हमारे हेल्थ पर क्या बैड इम्पैक्ट पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, वो सब चीज़ों को हम जान रहे थे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ऑर्गेनिक डोमेस्टिक वेस्ट पोज ए सीरियस थ्रेट सिंस दे फर्मेंट्स, क्रिएटिंग कंडीशन फेवरेबल टू द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रोविलियर पैथोगोन्स। पैथोगोन्स मीन्स रोगवाहक। डायरेक्ट हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट कैन रिजल्ट इन वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन एंड क्रोनिक डिजीज विद द वेस्ट वर्कर्स एंड रैग पिकर्स बींग द मोस्ट वल्नरेबल। जो कार्बनिक कचरे होते हैं ना, जो कंपोस्ट होते हैं, कुछ नाम भी दिए गए, इनसे बीमारियाँ ज़्यादा फैलती है, जैसे सब्जियों के छिलके, कोई चीज़ सड़ जाती है तो बदबू आती है, तो उसमें रोग वाहक पैथोगोन्स जल्दी क्रिएट होते हैं और बीमारी भी जल्दी फैलती है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स सॉलिड वेस्ट के कारण होते हैं जब वो कंपोज्ड होते हैं। एक्सपोजर्स टू हैजार्ड्स वेस्ट कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, चिल्ड्रन बींग मोर वल्नरेबल टू दीज पॉल्यूटेंट्स। वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कैन ऑल्सो कॉज सीरियस हेल्थ रिस्क। और वेस्ट की एक प्रॉब्लम बताओ ना, पेज नंबर नेक्स्ट पर आइएगा, 283 पर आइएगा। अब फर्स्ट लाइन मैंने रीड कर दिया इसका, एग्रीकल्चर से निकलने वाले वेस्ट, इंडस्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट, ये जो वेस्ट है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा सीरियस है, रिस्क है सॉरी इनमें। कि डायरेक्ट डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट इन रिवर्स, इनको बिना ट्रीट किए, बिना सफाई किए हुए सीधे नदियों में फेंक दिया जाता है, तालाबों में फेंक दिया जाता है। NCLX result in the accumulation of toxic means zehreela substance in the food chain through the animals that feed on it। अब आप नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में फेंकोगे तो उनमें भी तो जीव रहते हैं, ये थोड़ी कि हम ह्यूमंस ही रहते हैं या हम जमीन पर रहने वाले जीवों की वैल्यू है, पानी में रहने वाले जीवों की भी तो वैल्यू है, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके भी जीने का अधिकार है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो केमिकल्स निकलने वाले अनट्रीटेड स्वेज होते हैं ना, जो गंदे कचरे केमिकल होते हैं, उनको सीधे नदियों में, तालाबों में फेंक देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, उन कचरों के कारण पानी में रहने वाले जीव पर इसका बैड इंपैक्ट, बुरा प्रभाव पड़ता है। डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड अदर मेडिकल वेस्ट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन सिंस दिस कैन क्रिएट मेजर हेल्थ हैजार्ड्स। हॉस्पिटलों से निकलने वाले कचरे, ये भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम, कोई हॉस्पिटलों से सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, कई सारे इंजेक्शन, सिरिंज, रुई, ब्लड वगैरह, ऑर्गन्स के पार्ट्स, ये हमारे लिए, ये बीमारियों के लिए और ज़्यादा हार्मफुल है। कई सारी बीमारियों से, मान लो कोई इंजेक्शन है, इन्फेक्टेड सिरिंज है, इंजेक्शन है, वो हमारे हाथ में पैर में चुभ गया तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं ना। तो कोई सा भी वेस्ट हो, हेल्थ पर उसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, अलग अलग रूपों में हमें उसके बैड इम्पैक्ट को देखना पड़ता है। वेस्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजल साइट कैन क्रिएट हैजार्ड इन द नेबरहुड। अब ये बताओ, आप कचरा फैलाओगे, सिर्फ आपको ही परेशानी नहीं होगी, आपके आस पड़ोस में जो भी लोग हैं वो भी परेशान हो सकते हैं, वो भी बीमार पड़ सकते हैं। सिर्फ हमें ही अपनी सेफ्टी नहीं रखनी है, हमारे साथ साथ पूरे समाज की, पूरे पड़ोसी की,
उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे ये गलती कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए साफ सफाई से रहें, कचरों को नहीं फैलाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही काफ़ी है, ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्लास्टिक के रोल्स, प्रिवेंशन मीजर्स, कई सारी चीज़ों नई नई चीज़ों को लेकर आऊँगा और आपको समझ में आएगा। तो बीच में जो आपका लिंक टूट गया था, दो या तीन दिन वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे, अब कंटिन्यू वीडियो लेक्चर आपको मिल रहे होंगे, देखिएगा और दोबारा कंटिन्यू करिए पढ़ाई को अपने स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।